डॉक्टर रविंदर शर्मा, आज आपको बताऊंगा कि होम आइसोलेशन के दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आप कोविड को से निजात पा सकें। सबसे पहले तो मेन बात जो है वो कि आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आयुर्वेद में भी ये कहा गया है कि विषादो रोग वर्धना नाम, यानी कि आप मानसिक तनाव जितना भी लोगे किसी भी डिजीज को लेकर के, वो आपके सिम्टम्स को बढ़ाएगा ही। तो सबसे पहले तो आपको रिलैक्स रहना है, पॉजिटिव रहना है। इसके लिए आप मेडिटेशन करें, योगासन करें और अच्छी नींद लें। अच्छी नींद भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने की बाकी सारे मेजरमेंट है। वो आपको मेंटली और फिजिकली तौर पे रिलैक्स रखेगा और आपका शरीर सही रहेगा, आपका मेंटल लेवल ठीक रहेगा, तो सब ठीक रहेगा। और उसके बाद आता है कि जो जनरल गाइडलाइंस बताई जाती है उनको तो फॉलो करना ही है, जैसे कि बार बार हैंड वॉश करना है, लोगों से दूर रहना है। अगर आप आइसोलेशन में हैं तो भी ये मत समझेंगे आपको हैंड वॉश की और मास्क लाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बचाना है। तो आप रेगुलर हैंड वॉश करें, मास्क लगा के रखें, प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम में रहें और हाइड्रेशन लेवल अच्छा बना के रखें। ऑक्सीजन लेवल को सही बनाए रखने के लिए प्राणायाम और प्रॉन ब्रीदिंग काफ़ी हेल्पफुल हैं। प्राणायाम में अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, इसमें विशेषकर रोगी के कपड़ों को झटकना नहीं है, क्योंकि ये कपड़ों झटकने से वायरस स्प्रेड करने में हेल्प करेगा। और कपड़ों को गर्म पानी में वॉश करके अच्छे धो, छींकते या खांसते समय हाथ का यूज ना करें, कोहनी का यूज करें कुछ इस तरह से। अगर खान पीन की बात करें तो विटामिन सी रिच फूड आर्टिकल्स जैसे कि संतरा है, मौसम्बी है और नींबू है, और इन सब का ज़्यादा यूज़ करें। विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक सप्लीमेंट्स साथ में लेने चाहिए। ताज़े फल सब्जियां खाएं, फ्रिज में रखा हुआ बासी खाना ना खाएं, गर्म पानी पिएं, ठंडा पानी ना पिएं, और एंटीऑक्सीडेंट फूड आर्टिकल्स जैसे कि लहसुन है, कोरिएंडर है, जीरा है, लौंग है, इन सब का खान पान में ज़्यादा यूज़ करें। रात को सोते समय या किसी भी टाइम कर सकते हैं, दूध में एक गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के, अल्कोहल और हाई शुगर डाइट नहीं लेनी है। और इम्यूनिटी इंप्रूव करने वाली हर्ब्स जैसे कि अश्वगंधा है, गुडुची है, और इन सब का ज़्यादा यूज करें। आयुष काढ़ा दिन में 2-3 बार लेना चाहिए। अगर आयुष काढ़ा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये आप घर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको तुलसी 4 भाग, दालचीनी 2 भाग, शुंठी 2 भाग और लौंग 1 भाग, ये सब मिला के दरदरा चूर्ण कर लें। इसका 1 चम्मच पाउडर लेके 1 गिलास पानी में बॉयल करें जब तक कि ये घट के आधार नहीं रह जाता है। इसमें आप टेस्ट के अनुसार गुड़, शहद या फिर लेमन जूस भी डाल सकते हैं। ऐसा यश बाबू न्यूज़, खबरें सुपर फास्ट। यश बाबू न्यूज़।